एक एक्साइटमेंट को पैदा करने के लिए हमने डेली इंसेंटिव चालू किया। डेली इंसेंटिव पहले कैसे होते थे, टारगेट करना आपको मंथ में, ये आपका पगार है, आपका टारगेट है, टारगेट करेंगे तो इंसेंटिव मिलेंगे। अभी हमने क्या कर दिया, हमने डेली इंसेंटिव कर दिया। आज शाम को आप बिना 5 एनरोलमेंट बेचेंगे तो इतना इंसेंटिव, और ये इंसेंटिव जो है, पहले हमारा इंसेंटिव था 5% और 10% इंसेंटिव मैक्सिमम होता था 5, 6, 7, 8। तो हमने हमारे कलीग से कहा कि मैक्सिमम इंसेंटिव दे दो, तो हमारे कलीग भी ताव में आके हमारा इंसेंटिव स्कीम 5% से 50% तक हम लोगों ने किया है। मतलब यू नो, ये लॉकडाउन पीरियड में अगर कोई आदमी घर में बैठ के ईमानदारी के साथ काम करे तो ये 1 महीने में ही वो 5 लाख रुपया कमा सकता है। इतना जबरदस्त इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया और ये उत्साह को बना के रखता है, एंथुजियाज्म को बना के रखता है। इसके पीछे एक और रीजन है, किसी कारणवश हम पगार नहीं दे पाए, किसी कारणवश हम पगार को डिले करना चाहे, किसी कारणवश ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, अभी ये लॉकडाउन का तो कोई भरोसा नहीं है, तो अगर ऐसा है तो अपना बच्चे लोगों के बैंक अकाउंट में रोज 500, 1000, 2000 रुपया आते रहना चाहिए, जिससे कि उनका एक हौसला बना रहता है, क्योंकि अभी ये पीरियड में खर्चे तो सबके हैं और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस बहुत आ सकते हैं, किसी का बीमारी हो सकता है, किसी का मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, तो पैसे सभी को कमाने के रास्ते बता दिए। मतलब हर एम्प्लॉई आज इंसेंटिव कमा सकता है और डेली इंसेंटिव कमा सकता है। तो कल ही मैं देख रहा था 7 जन को 1000, 550, 1500, 2000 ऐसा इंसेंटिव मिल रहा है। अभी एक आदमी बैठ के 2000 रुपये में दिन का कमा लेता है तो 20 दिन में वो आराम से 4 लाख रुपया कमा लेगा, तो अच्छी बात है। वैसे तो उसका 4 लाख पगार नहीं है साल का, तो ये भी हम लोगों ने ये किया।